हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब, स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोपेलर एड्स के ऊपर। काफी लोगों ने यार कमेंट्स किया था कि भाई ये एड नेटवर्क ट्रस्टी है यानी ये हमें पेमेंट्स देता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में या लाइव प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर एड नेटवर्क आपको पेमेंट देता है या नहीं, आपको किस तरह से काम करना चाहिए इस नेटवर्क पे, किस तरह से एड वगैरह प्लेसमेंट करना चाहिए, किस तरह से यहाँ से अर्निंग वगैरह होता है, सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है से भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे यार सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है भाई प्रोपेलर एड्स की वेबसाइट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस डेडिकेटेड वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हम यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं ये किस टाइप का एड्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहां पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये टोटल यार 4 टाइप के एड्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि पुश नोटिफिकेशन, वन क्लिक एड्स और इन पेज पुश नोटिफिकेशन और इंटरेस्ट रियल एड, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा मतलब की लेआउट दिखाया गया। अगर आप पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ एड्स आपको दिखाई देगा, ठीक है, फोन में और डेस्कटॉप में। अगर आप वन क्लिक एड का यूज करोगे तो इस तरह से एड्स आपके आएंगे, ठीक है, जहां भी क्लिक करोगे तो एड्स ओपन हो जाएगा, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इन पेज पुश नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, इस तरह से एड्स आएगा। और इंटरेस्ट रियल एड अगर आप लगाते हो तो पूरे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से पॉपअप एड्स आएंगे जहां पे काफी सारे आर्टिकल्स होगा, ठीक है। तो लगभग मिलता जुलता मतलब कि कुछ एड्स जो है यार, जैसे ये आप मान सकते हो नेटिव एड जो एडसेंस में आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरह से है। और जो ये वन क्लिक एड्स होता है, आप इसे विनजेट एड जो होता है एडसेंस का, उससे आप कहीं ना कहीं मतलब कि मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं यार एक बेस्ट अल्टरनेटिव है भाई एडसेंस का, ठीक है। इसे काफी सारे ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं जिन्हें यार एडसेंस का अप्रूवल अपनी वेबसाइट्स पे नहीं मिला और उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब कि नेक्स्ट लेवल का, तो वो इस पर्टिकुलर एड नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूं आपको किस तरह से यहां पे साइन अप करना है। और साइन अप करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। देखो, जैसे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जैसे आप यहां पहुंचते हो, देन यहां पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आता है, आई एम अ पब्लिशर और आई एम एन एडवर्टाइजर, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइजर के साथ नहीं जाना है। अगर आप एडवर्टाइजर हो तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी वेबसाइट्स पे प्रोपेलर एड्स को यूज करना है तो आपको आई एम अ पब्लिशर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे साइन अप पे क्लिक करना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ डिटेल्स वगैरह आपको फिलअप करना है। देन फिलअप करते हुए यहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह अपनी देना है, जैसे आप एडसेंस में वेरीफाई वगैरह करते हो ना, सेम एज यहाँ भी यार आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो इससे ही मालूम चलता है यार कि ये एक लेजिट वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ता है, जिस वजह से ये एक लेजिट वेबसाइट है, ठीक है। पहले ये जो ऑप्शन था ना आईडी वेरिफिकेशन का, पहले नहीं था लेकिन अभी फिलहाल आया है और ये मैं काफी पहले से यार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं उतना ज्यादा काम नहीं करता इस पे, फिर भी मैं आपको पेमेंट प्रूफ वगैरह सारा कुछ अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये देता वगैरह। तो यहाँ पे यार इस तरह से डिटेल्स वगैरह डाल के आपने साइन अप कर लेना है, देन इजली आप यहां से साइन अप कर लोगे। उसके बाद मैं अभी आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ भाई ये किस तरह से अर्निंग वगैरह यहाँ से जनरेट होता है। तो और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा यार, देखो ये जो वेबसाइट है ना आपको इंस्टेंट अप्रूवल देता है। एडसेंस में क्या होता है, जैसे आप मतलब कि अपनी वेबसाइट्स को ऐड करते हो, देन फिर मतलब कि उसमें यार कभी कभार ना वीक्स 2 वीक्स या महीना भी लग जाता है भाई एडसेंस का अप्रूवल लेने में। वो वेबसाइट्स पे प्रॉपरली डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ना किसी भी टाइप की वेबसाइट हो आपकी, चाहे मूवीज डाउनलोडिंग की, एपीके डाउनलोडिंग की या जिस भी टाइप की वेबसाइट्स हो, उस पर ये इंस्टेंट अप्रूवल देता है। बस पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन फिर सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे साइन अप वगैरह कर लोगे, देन फिर आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है और यहाँ से पब्लिशर्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। देन जैसे गाइस यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो आपको जो इसका डैशबोर्ड है, इंटरनल डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे आपको डेट, इंप्रेशंस, प्रॉफिट और सीपीएम दिखाई देगा, ठीक है। ये जो एड नेटवर्क है ना यार वो सीपीएम पे काम करता है, जैसे जो एडसेंस है वो सीपीसी पे काम करता है, कॉस्ट पर क्लिक, ये कॉस्ट पर माइल्स पे काम करता है, मतलब कि इंप्रेशंस पे काम करता है। यहाँ पे ना आपको एड्स पे क्लिक्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बंदा आपके एड्स को देख करके भी चले जाता है, उससे भी आपको इस पर्टिकुलर एड नेटवर्क से अर्निंग होगा, इसकी खासियत यही है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यार, जो देखो यहाँ पे इंप्रेशंस कुछ आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि 4/8/2022 को मुझे इंप्रेशन आया था 16,000 के आसपास, जिसमें से मुझे जो प्रॉफिट मिला था गाइस वो मिला था
3 to 4 डॉलर के आसपास, और जिसपे जो सीपीएम रेट था गाइस वो 0.24 डॉलर था। तो यहाँ पे यार पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो सीपीएम रेट है भाई वो कितना ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं यार वेबसाइट्स के निच पे भी डिपेंड करता है। अगर आप देखो डाउनलोडिंग वगैरह से रिलेटेड निच पे काम करते हो और उस पे अगर आपने प्रोपेलर एड्स का यूज किया है तो वहां पे कहीं ना कहीं यार जो आपको सीपीएम है थोड़ा सा यार मूवी डाउनलोडिंग वगैरह वेबसाइट्स पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन एपीके डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वाली जो वेबसाइट्स है उस पर आपको सीपीएम रेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा हाईली रिकमेंड रहेगा कि अगर आपको इसको यूज करना है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेबसाइट्स पे ही आप यूज करो, नहीं तो ऐसा नहीं कि मूवी वाले पे बिल्कुल भी मिलेगा ही नहीं। इतना तो आपको मिलेगा ही, 0.24, 25, 30 के आसपास तो आपको मिल ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 16,000 इंप्रेशंस पर मुझे $4 के आसपास मिला था। तो सोचो अगर यहाँ पे जो सीपीएम रेट है गाइस अगर $1 होता तो मुझे इतने ही इंप्रेशंस में यार $16 मिल जाता। और यहाँ पे अगर गूगल एडसेंस की बात करूँ तो वहाँ पे यार मिलियंस में इंप्रेशंस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्लिक्स के ही हमें पैसे मिलते हैं। अगर वहाँ पे जितने इंप्रेशंस आ जाते हैं भाई उतने इंप्रेशंस अगर यहाँ पे आ जाए तो हम भाई माला माल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर एड नेटवर्क है वो काम करता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आप मूवी डाउनलोडिंग वगैरह से रिलेटेड काम करेंगे वेबसाइट्स पे तो आपका जो प्रोपेलर एड है वो डिसेबल हो जाएगा, आपको मतलब कि हटा देगा, डीएक्टिवेट अकाउंट वगैरह हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। एडसेंस में यार बहुत सारी अगर आपने उसमें एडसेंस का अप्रूवल ले भी लिया ना मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स पे, और मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि सर आपको लेना वगैरह है, लेकिन इसके पीछे का एक चीज और आप मतलब कि दिमाग में बिठा लो कि वो जो आपका एडसेंस अकाउंट है कभी ना कभी भाई डिसेबल होगा ही होगा। ठीक है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, जब तक चल गया तो चल गया। उसके ऊपर भी मैं कभी केस स्टडी ले आऊंगा कि मेरे साथ भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो भी मैं आपको मतलब कि अगले वीडियोस में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए यार मतलब कि इस तरह के एड नेटवर्क्स को ही आपको डाउनलोडिंग वेबसाइट्स पे यूज करना चाहिए, ना कि एडसेंस को, क्योंकि एडसेंस क्या है ना यार, देखो 1 साल चला, 2 साल चला, ठीक है, अगर तीसरे साल भी चल गया और फिर जाकर डिसेबल हो गया तो आपको यार बहुत बड़ा झटका लग गया। क्या पता आप उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम कर रहे हो, उससे अदर आपने वेबसाइट्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, तो अगर वो पर्टिकुलर वेबसाइट डिसेबल हो जाएगा तो यार बहुत बड़ा झटका लगता है इंसान को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है भाई। ठीक है, अगर आप मूवी नीच पे जाना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इसी तरह के जो थर्ड पार्टी एड नेटवर्क्स है उसका आप यूज़ करो, और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो बेस्ट लेवल के थर्ड पार्टी एड नेटवर्क्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस तरह से यार यहाँ पे कुछ इंप्रेशंस आते हैं भाई, और इंप्रेशंस भी डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट्स पे कितना ट्रैफिक वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ भी यार आपको थोड़ा अच्छा खासा ट्रैफिक आपको अपनी वेबसाइट्स पे लाना पड़ेगा, और ये जो ट्रैफिक है गाइस आप मूवीज वगैरह ही वेबसाइट्स पे ला सकते हो। देखो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशनल बेस्ड वेबसाइट्स है, अगर आप उस पर इस एड नेटवर्क को लगाते हो तो मुझे नहीं लगता यार मतलब कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि यार उस तरह के नीचे पे यार जो ट्रैफिक लाना यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एड नेटवर्क से ये डाउनलोडिंग ही वेबसाइट्स के लिए, तो उन्हीं पे यूज़ करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं तो ऐसे वैसे वेबसाइट्स पे आप यूज़ कर दिए तो भाई फिर आप वहाँ पे देखते रह जाओगे, आपको एक भी डॉलर नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब कि काफ़ी जैसे कि आप देख पा रहे हो सीपीएम रेट थोड़ा सा कम ही मिलता है, इस वजह से यार यहाँ पे अर्निंग मतलब एडसेंस के मुकाबले थोड़ा सा देखा जाए तो कम होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आपके पास एडसेंस नहीं है तो इसका तो आपको यूज करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ तो आए। तो इस तरह से यार कुछ यहाँ पे ये इंप्रेशंस देता है, प्लस सीपीएम आप इसका रेट देख सकते हो, और सीपीएम में यार मतलब कि अप डाउन होता रहता है, जैसे एडसेंस में सीपीसी अप डाउन होता है ना भाई, सेम एज यहाँ भी सीपीएम ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यार यहाँ पे अभी टोटल अर्निंग कितना हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो $36 के समथिंग यहाँ पे अर्निंग हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे साइन अप वगैरह करोगे तो वेरिफिकेशन भी यहाँ पे जरूरी है, उसी के बाद आप पेमेंट वगैरह यहाँ से ले पाओगे। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर भी मैं बना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट्स पे आना है, और यहाँ पे आपका जो अपना पेमेंट गेटवे, जैसे आप पेपल में पेमेंट लेना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यार 14/7/2022 को एक पेमेंट यहाँ से लिया था पेपल अकाउंट में $31 का। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो मेरे पेपल अकाउंट में आया था या नहीं, वो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको पेपल को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे आना है और पेमेंट मेथड पे आना है, और यहाँ पे जो आपका पेपल आईडी है गाइस उसे आपने यहाँ पे ऐड करके अप्रूव कर लेना है। ठीक है, और अपना जो भी पेमेंट आप सेट करना चाहते हो, जैसे मैंने $50 यहाँ पे सेट किया है,
मतलब कि मैं यहाँ से वीकली $50 जैसे अर्न कर लेता हूँ, फिर वो मैं बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं। तो यार अब मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ भाई कि ये जो एड नेटवर्क वो पेमेंट सचमुच देता है या नहीं देता है। तो यहाँ तो आपने रिपोर्ट देख लिया कि यहाँ से जो पेमेंट है भाई सक्सेस निकल चुका है। तो अब हम पेपल अकाउंट में चेक कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ से पेपल अकाउंट में। तो ये मेरा पेपल अकाउंट है, ठीक है, हम लॉग इन कर लेते हैं। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं तो आप बना लीजिए यार, क्योंकि थर्ड पार्टी एड नेटवर्क्स में भाई ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी एड नेटवर्क्स होता है वो पेपल अकाउंट में ही पेमेंट देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पेमेंट लेने के लिए यार आपके अकाउंट में $1000 के आसपास होना चाहिए। तो पेपल अकाउंट बेस्ट रहता है, तो इसको आप क्रिएट कर लेना। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसे क्रिएट करने में। आप यूट्यूब की एक दो वीडियो देख लेना, आप बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं लॉग इन कर चुका हूँ अपना पेपल अकाउंट। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन में नीचे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट फ्रॉम प्रोपेलर एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि $31, और यहाँ पे जो हमने देखा था, देखो यहाँ पे $31.13, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैसा $31.13 आ चुका है। और प्रोपेलर की एक और खास बात है यार, ये मतलब कि कोई भी फीस डिडक्ट नहीं करता है। अदर नेटवर्क्स आप यूज करोगे तो कुछ चार्जेस भी यार वो काट लेता है, ठीक है। एडस्टेरा के केसेस में जैसे कि आप देख पा रहे यार $133 आया था, जिसमें से $7 के आसपास यार एडस्टेरा ने मेरा काट लिया था, और अभी देखो $126 दिया था। तो ये कुछ सीन होता है, लेकिन एडस्टेरा के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा, अगर चाहिए तो आप मुझे बता देना। तो यार यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइव प्रूफ, तो हमने देख ही लिया कि भाई पेमेंट सचमुच ये प्रोपेलर ऐड देता है, और ये सचमुच देता है यार, ठीक है। बिल्कुल लेजिट वेबसाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये फेक वगैरह वेबसाइट है। काफी सालों से यार ये मतलब इंडस्ट्री में चल रहा है भाई, और काफी लोग इसका यूज करें। ज्यादातर जो वायरल टाइप वेबसाइट्स होती है जिनपे मतलब करोड़ों में ट्रैफिक आता है यार, वो सब भाई इसी तरह की एड नेटवर्क्स यूज करती है, ज्यादातर न्यूज वेबसाइट्स। तो अगर आपके पास पोटेंशियल है आपकी वेबसाइट में और एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, तो यार मैं तो डेफिनेटली आपको कहूंगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर एड नेटवर्क का यूज करो, और पॉप एड्स का यूज करो, पॉपेंडर का। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको इसको यूज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।